लोकसभा चुनाव में तीसरे चरण के मतदान के लिए तैयारियां पूरी हो गई हैं। राजधानी भोपाल के लाल परेड ग्राउंड में ईवीएम मशीन के वितरण का केंद्र बनाया गया है। सुबह 7 बजे से ही ईवीएम मशीन मतदान दल के लिए वितरित की जा रही है। मतदान दल जो अपनी ईवीएम मशीन लेने के लिए आए हुए हैं, उनका कहना है कि हमारे लिए पहले ही ट्रेनिंग दी जा चुकी है और आज पर्ची के आधार पर हमें ईवीएम मशीन समेत पूरी सामग्री मुहैया कराई गई है। लोकसभा चुनाव के आज तीसरे चरण के मतदान को लेकर के राजधानी भोपाल के लाल परेड ग्राउंड में आप देख रहे हैं, यहाँ पर जो ईवीएम मशीन है उसके लिए ये जगह बनाई गई है और यहाँ से जो राजधानी भोपाल के विशेष तौर से जो भोपाल लोकसभा है उसको लेकर के जो ईवीएम मशीनें हैं, ईवीएम मशीन के लिए यहाँ पर जो अधिकारी आए हुए हैं वो अब अपनी ईवीएम मशीन लेकर के अपने अपने बूथ के लिए जाने के लिए तैयार हैं। आपको बता दें कि सुबह जिला निर्वाचन अधिकारी और इसी के साथ में उनकी सभी टीम ने विशेष तौर से यहाँ पर निरीक्षण किया था और निरीक्षण के बाद जो भी ईवीएम मशीनें हैं वो यहाँ से जो पोलिंग बूथ पर जाने वाले अधिकारी हैं जो यहाँ से ले के जाएंगे उन लोगों के लिए यहाँ पर मशीनें मिल चुकी हैं। ये भी भाई साहब, आप किस जगह से हैं, किस बूथ से हैं? बूथ नंबर 260 से। तो आपके लिए मशीन मिल चुकी है, चेक हो चुकी है? सभी मिल चुकी है, चेक हो चुकी है, सब अच्छी तरह से। किसी तरह की कोई गड़बड़ी? कोई गड़बड़ी नहीं, बहुत बढ़िया। जो आपकी ये पोलिंग मशीन जो आपको लेना पड़ी जब आप नंबर आया, तो इसमें कितना समय लगा, क्या प्रक्रिया रही और कहीं कोई समस्या? अच्छी व्यवस्था थी इस बार, अच्छी व्यवस्था थी, बहुत अच्छा। बिल्कुल, इनका कहना है कि हालांकि किसी भी तरह की कोई परेशानी नहीं आई, कुछ लेडीज भी हैं उनसे भी जानने की कोशिश करें। मैम आप भी आए हैं, आपको किसी भी तरह की कोई परेशानी आई? कोई परेशानी नहीं हुई मुझे। अच्छा, जो प्रशिक्षण था वो प्रशिक्षण आपको मिला था, उसके बाद में जब आपको ये मशीन दी गई तो किस तरह से थी ये मशीन तब आपने देखी? जी, तब वो चालू मोड में थी, पूरी ली थी हमने, ट्रेनिंग ली थी। डेमो करके अभी दिखाया था क्या? नहीं, अभी नहीं, ट्रेनिंग पे दिखाया था। उसके बाद में फिर जो पैकिंग थी, पैकिंग आपके नंबर के हिसाब से आपको दी गई? जी, नंबर के हिसाब से दी गई। बिल्कुल, इनका कहना है कि जो डेमो है, डेमो पहले करा दिया गया था और उसके बाद में जो मशीन है, मशीन पर नंबर लगाया गया और इनके पास में भी उसी मशीन का नंबर था, उसी मशीन के हिसाब से जो भी ईवीएम है वो मशीन के हिसाब से इन्हें दी गई हैं, ये रखी हुई हैं आप देख रहे हैं। और कल अब 7 तारीख को सुबह 7 बजे से तीसरे चरण का मतदान होगा। कैमरा पर्सन सुशील यादव के साथ जी एस ठाकुर, TV24 भोपाल।